फर्स्ट वैक्सीन इसकी कब बनी। तो गाइस सारे लोग अपनी रिसर्च एंड ट्रायल के अंदर लगे हुए थे वैक्सीन के लिए, तो वर्ल्ड के अंदर ओनली एक सिंगल कंट्री था जिसके प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हमने वर्ल्ड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम मनीष है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड 19 के ऊपर कंप्लीटली केस स्टडी की। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट से बात करेंगे कोविड 19 को, इसका नाम कैसे मिला, कब इसकी स्टार्टिंग हुई, कौन कौन इसके लिए वैक्सीन बनी, किसने वैक्सीन को पहले बनाया, सारी डिटेल्ड में बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कोविड 19 की। तो गाइज कोविड 19 में CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस एंड D फॉर डिजीज। सो ये कोरोना वायरस की बीमारी 2019 में आई थी तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कोविड 19। उसके बाद बात करते हैं कि इसको इसका नाम कहां से मिला। तो गाइज WHO रेफर्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड के अंदर हेल्थ के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रॉपरली काम करते। तो जब इन्होंने कोरोना वायरस को प्रॉपरली रिसर्च के बाद डिटेक्ट कर लिया था तो इन्होंने इसका नाम दिया फरवरी के अंदर कोविड 19 या फिर कोरोना वायरस। अब बात करते हैं फर्स्ट केस की। तो गाइस जो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट केस कोरोना वायरस का डिटेक्ट हुआ था वो हुआ था चाइना के अंदर। इसकी डेट थी नवंबर 17। सो उसके बाद से ये रैपिड रेट पे इसने ग्रो किया। और अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं दिसंबर 2020 का, सो इसके वर्ल्ड में टोटल केसेस हो गए थे 8 करोड़, यानी कि मात्र 12 महीने के अंदर इसके केसेस 8 करोड़ हो गए थे। उसके बाद अगर मैं आपको अगले 4 महीने का इसका साइकिल बताऊं तो यानी कि दिसंबर 2020 के बाद से लेके अप्रैल 2021 के बीच इसके केसेस हो गए 15 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट इसने 7 करोड़ गेन कर लिए थे केसेस। तो बहुत ज़्यादा रेट पे ये ग्रो हो रहा है। तो गाइज आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको एक डेथ का रेशियो बताऊं कि डेथ कितनी हो रही है, सो वर्ल्ड के अंदर टोटल अब तक कोरोना से 32 लाख के समथिंग डेथ हो चुकी है। यहाँ पर मेरा मोटिव आपको डराना नहीं है, बस आपको अवेयर करना है कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, आपको इससे बहुत खतरनाक वायरस है, आपको इससे बच के रहना है। सो ये बात की हमने केसेस की। अब बात करते हैं हम वैक्सीन की। तो फर्स्ट वैक्सीन इसकी कब बनी। तो गाइज सारे लोग अपनी रिसर्च एंड ट्रायल के अंदर लगे हुए थे वैक्सीन के लिए, तो वर्ल्ड के अंदर ओनली एक सिंगल कंट्री था जिसके प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हमने वर्ल्ड की पहली कोविड वैक्सीन बना ली है और उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। सो गाइस अगस्त 2020 के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने इसकी वैक्सीन बना ली और उस वैक्सीन को नाम दिया स्पुतनिक V। हालांकि इसके बाद WHO ने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए इस वैक्सीन को लेके कि तुमने प्रॉपर ट्रायल नहीं किया तो तुम इसको कैसे ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हो। बट स्पुतनिक V ने बहुत एफिशिएंटली काम किया एंड रशिया के अंदर अभी भी इसका यूज हो रहा है। सो उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं हम फर्स्ट केस की इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कब केस आया, तो अब तक हमने बात की थी वर्ल्ड लेवल पे, अब बात करते हैं इंडिया के अंदर। तो गाइस इंडिया के अंदर पहला केस 27 जनवरी को रिपोर्ट किया गया था केरला के अंदर। सो वो एक 20 साल की लड़की को हुआ था एंड वो हाल ही में उस टाइम चाइना से लौट के आई थी, तो उसके बाद उनको रिपोर्ट किया गया था इस केस के लिए। सो उसके बाद अगर मैं आपको दिसंबर 2020 का डेटा बताऊं तो गाइस ये केसेस ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो गए थे, यानी कि जनवरी के अंदर कोरोना आता है जनवरी के एंड में और दिसंबर में 1 करोड़ इसके पेशेंट हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं अगले 4 महीने का आपको बताऊं तो अप्रैल 2021 के अंदर इसके पेशेंट ऑलमोस्ट 2 करोड़ होने वाले हैं एंड इस हिसाब से इतनी ग्रो हो रही है उस हिसाब से ये 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएंगे इसके अगले 4 महीने के अंदर। अब बात कर लेते हैं गाइस टोटल डेथ की कि इंडिया के अंदर टोटल कितनी डेथ हुई है। तो अब तक कोरोना से ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के समथिंग लोगों की डेथ हो चुकी है इस भयानक वायरस से। अब बात कर लेते हैं कोविड वैक्सीन की इंडिया के अंदर। तो गाइज इंडियन गवर्नमेंट ने 2 कोविड वैक्सीन को अप्रूव किया है जिनका इमरजेंसी यूज किया जा सकता है कोरोना की सिचुएशन में। सो इन 2 वैक्सीन के नाम है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। तो गाइज कोविशील्ड का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है एंड कोवैक्सीन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है भारत बायोटेक लिमिटेड से। सो थर्ड वैक्सीन को भी अप्रूव कर दिया गया है जो कि स्पुतनिक V है, जो जिसका कि डेवलपमेंट रशिया के अंदर हुआ था। सो इसका डेवलपमेंट इंडिया के अंदर मई के एंड में स्टार्ट हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। सो गाइज ये थी वैक्सीन्स की बात। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोविड 19 वैक्सीनेशन कंपेन की। सो आपको इस बात को सुनकर गर्व होगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कंपेन इंडिया ने ही शुरू किया है एंड इसको जनवरी में स्टार्ट कर दिया था। गाइज आई नो इंडिया के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा है बट गवर्नमेंट काम भी कर रही है इसकी वैक्सीनेशन के ऊपर प्रॉपरली और गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगस्त तक इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 300 मिलियन लोग वैक्सीनेशन करा पाएंगे। और अब तक अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो अब तक 111 यानी कि अप्रैल तक 111 मिलियन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इन 300 मिलियन के अंदर सबसे पहले जिनका वैक्सीनेशन हुआ है उनमें से 10 मिलियन लोग हेल्थ वर्कर्स है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, नर्सेज, कंपाउंडर्स, तो वो लोग हैं। उसके बाद इसके अंदर 20 मिलियन लोग वो है जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस है, गवर्नमेंट टीचर्स है या फिर टीचर्स है जो लोग सर्विस दे रहे हैं इस कोरोना के टाइम के अंदर, सो इनको है। इसके अलावा जो 270 मिलियन लोग बच जाते हैं उनके अंदर वो लोग हैं जो एज लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क है कोरोना वायरस का, फॉर एग्जांपल
जिनकी एज 45 या फिर 50 से ज़्यादा है, तो वो लोग आ जाते हैं इसके अंदर। सो ये बात की हमने वर्ल्ड के लार्जेस्ट को वैक्सीन कंपेन की। इसके बाद गाइज बात कर लेते हैं हम मोस्टली आज क्वेश्चन जो कि कोरोना के ऊपर काफ़ी पूछे गए हैं यूट्यूब पे ऊपर, जिनको बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मैंने इनको कुछ क्वेश्चन उसको नोट किया है जो कि इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करने बहुत जरूरी है। तो नंबर वन क्वेश्चन है कि इज कोविड वैक्सीन आर सेफ टू यूज़। सो गाइज मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताता हूँ कि जब कोवैक्सीन का सेकेंड ट्रायल हुआ तो उसके अंदर 25,000 लोगों को एडमिट किया गया था, एंड उन 25,000 लोगों कि अगर मैं आपको एज बताऊं तो 18 साल से लेके 98 साल तक के उनमें लोग थे, एंड 10% लोग थे जिनकी एज बेसिकली आप बोल सकते हैं कि 60 इयर्स से ज्यादा थी। सो गाइज इनके अंदर जब इसका ट्रायल हुआ तो उसके कुछ वीक बाद देखा गया कि कोवैक्सीन का जो इफेक्ट है वो 100% ये इफेक्टिवली है, इफेक्टिवली काम कर रही है एंड बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। सो ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वैन वी कैन रजिस्टर फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। सो भाई कोविड-19 का वैक्सीनेशन 28 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। आई विल पुट द लिंक ऑफ द साइट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो आप वहाँ से उस लिंक को पिक करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी वैक्सीनेशन में भाग नहीं लिया तो गाइज आप टीका लगवा सकते हैं। उसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है आर वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट्स आर गुड साइन। सो यार अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो अगर आप वैक्सीन करवाते हैं तो आपको 2 या 3 दिन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको हेडेक महसूस हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, थोड़ी सी आपको बॉडी में पेन हो सकता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी। सो ये 1 या 2 दिन के लिए टेम्परेरी होते हैं, इनका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। सो आप इनको इनसे डरिए मत। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जब वैक्सीन आपकी बॉडी में गई है तो उसने स्टार्ट किया है आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को क्रिएट करना ताकि कोविड से वो लड़ सके। सो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइज जो लास्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू गेट कोविड आफ्टर वैक्सीन, कि आपको कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप आज वैक्सीन लगवाते हैं तो उसका 2 या 3 वीक के अंदर आपके बॉडी में इम्पैक्ट आता है, प्रॉपरली 100% इम्पैक्ट जो आता है, जो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है आपकी बॉडी में। तो अगर उस टाइम से पहले अगर आप किसी कोरोना पेशेंट के टच में आते हैं या किसी भी तरह आपको अगर कोरोना हो सकता है। सो जी क्वेश्चन यही था गया एग्जैक्टली कि कैन यू गेट कोविड आफ्टर वैक्सीन। तो जी हाँ, वैक्सीन का जब तक इम्पैक्ट नहीं आता प्रॉपरली आपकी बॉडी में तब तक आपको कोरोना हो सकता है। सो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चन जो कोविड से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं गूगल के ऊपर एंड यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने ट्राई किया कि जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको मैं पिक कर सकूं। तो आज की इस वीडियो में यार इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। मैंने ट्राई किया है कि जितना भी मेरे से एफर्ट हो सकता था मैंने इस वीडियो में किया है, एंड ऑनेस्टली गाइज मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। आई होप आपको भी लगा होगा एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। सो प्लीज़ कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आगे मैं किसी और टॉपिक के ऊपर केस स्टडी बनाऊँ। अगर गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अगर किसी को इस तरह की नॉलेज नहीं है तो उसको इस तरह की नॉलेज मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड अप विद एडुवानी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।